आज हम लोग अध्यापकों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय की एक शाखा ठोस ज्यामिति में बेलन को पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों के विषय में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ शिक्षक बंधु उपस्थित हैं। आप हैं प्रदीप जी और आप हैं रश्मि जी। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि लंब वृत्ति बेलन को पढ़ाने में इनको क्या कठिनाइयाँ आती हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, अपनी कक्षा में आप लंब वृत्ति बेलन का पाठ किस तरह पढ़ाते हैं? ज्योति जी, कक्षा में सबसे पहले तो बच्चों को लंब वृत्ति बेलन से संबंधित सूत्र बता देते हैं। हाँ, ठीक। और इसके बाद जो है श्याम पट पे सूत्रों से संबंधित कुछ उदाहरण जो है हल करके दिखाते हैं। ठीक, फिर बच्चों से कहते हैं कि इसी हिसाब से अपनी प्रश्नावली हल करें, बाकी के प्रश्न हल करें, कुछ प्रश्न गृह कार्य में भी दे देते हैं। हाँ, गृह कार्य तो इस आप लोग पढ़ाते हैं, अच्छे ही पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है? जी, कठिनाई तो बहुत महसूस होती है, क्योंकि देखिए आप, बच्चे तो गणित विषय से वैसे ही इतना भागते हैं, डरते हैं, पर ये कुछ विषय भी थोड़ा सा पेचीदा लगता है बच्चों को। उसमें ये होता है कि जब तक मैं कक्षा में बच्चों को समझाती हूँ श्याम पट पर, तब तक तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, वो सिर भी हिलाते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें उदाहरण से हट कर एक भी प्रश्न दे दूँ या उनके आंकड़े बदल दूँ, तो फिर वो बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उन्हें लगता है जैसे कोई नई चीज़ आ गई, नहीं हल कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं हल कर पाते, यानी कि उदाहरण से हट के, जो आपने उदाहरण के सवाल बताए हैं उससे हट के अगर आप सवाल दे देती हैं, वो हल नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। अच्छा, इसका सीधा असर हमारे गृहकार पे भी देखने को मिलता है, वो करके ही नहीं लाते। हाँ, गृहकार भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं आएगा तो गृहकार कैसे करेंगे? बच्चे जुड़ाव भी नहीं महसूस करते, गणित से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं। हाँ, सूत्र हाँ। उनको अच्छे से समझ में नहीं आते, उनको उसकी कोई मतलब व्यवहारिक समझ नहीं पैदा होती कि कैसे है। हाँ। उनको समझ में नहीं आते सूत्र ठीक से। हाँ, सही, सूत्र को बच्चे रट लेते हैं। जी, रटने की कोशिश करते हैं। वो गणित को अपने से बहुत दूर की चीज महसूस करते हैं। वो मुझे लगता है कि दैनिक जीवन से उसे जोड़ कर, गणित को व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ पाते। हमें कुछ ऐसा प्रयास करना होगा कि वो उन्हें थोड़ा जाना पहचानी चीज लगे, उनको दैनिक जीवन में देखें, प्रयोग करें, उसका प्रयोग करें या इस्तेमाल करें। हाँ, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक गण या हम लोग जो हैं कि गणित विषय में सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट नहीं करते। गणित विषय का मतलब समझते हैं हम लोग कि सवाल हल करा दिए, सवाल बच्चों ने सब हल कर लिए, ये सब खत्म हो गया काम, मतलब ये हमारा पाठ खत्म। लेकिन गणित विषय में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको बच्चों को स्पष्ट नहीं करते कि वो किस तरह से निकले हैं, किस तरह से आए हैं। तो हम लोग को अभ्यास कार्य कराने से पहले जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उनका आगमन कैसे होता है, कैसे निगमन करते हैं उनका हम, वो सूत्र कैसे बने, कैसे आए हैं, इसके बारे में बताएं, तो बच्चों को विषय वस्तु ज़्यादा स्पष्ट होगी और लगता है कि ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। रट लेते हैं, मुख्य समस्या यही है कि वो रट के चीज़ों को करना चाहते हैं। अगर वो अच्छी तरह से समझ जाएं तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, आपको सैद्धांतिक पक्ष पर ध्यान दें। सैद्धांतिक पक्ष यानी कि सूत्रों का, किस तरह सूत्र, किस तरह सूत्र बने हैं, किस तरह से निकाले गए सूत्र, ये उनका मतलब कि जो हम सवाल करवा रहे हैं उसके साथ उसका क्या जुड़ा हुआ है सूत्रों का, तब बच्चों को विषय वस्तु ज़्यादा स्पष्ट होगी और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, सारे सवाल हल कर लेंगे तब। ज्योति जी, इसे कैसे बता सकते हैं बच्चों को? इसको हम बताते हैं, जैसे हम लोग लंब वृत्ति बेलन की बात कर रहे हैं आज, तो लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है हमको। तो सबसे पहले हम लोगों को बच्चों को लंब वृत्ति बेलन क्या है उसकी एक अवधारणा स्पष्ट करनी होगी। बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे बेलन क्या है। उन्होंने सूत्र समझा, लंब वृत्ति बेलन समझा और सवाल हल कर दिए। तो इसके लिए बच्चों के पर्यावरण में ही जो बेलन के आकार की चीज़ें हैं, जैसे कि घी तेल के डिब्बे होते हैं, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर है, दवाई की शीशियाँ हैं, ड्रम है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को हम दिखाएँ, है ना, बताएं ये बेलन के आकार की है। जी, तो पहले तो बेलन से जुड़े बच्चे की बेलन हमारे दैनिक जीवन में बेलन कहाँ कहाँ है, पहले वो लंब वृत्ति बेलन से जुड़े। जी बिल्कुल, है ना। तो अब मान लीजिए इस वक्त आप वो चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं है, तो आप एक जिससे इसका एक तरह से मॉडल बना सकती हैं, ये बेलन का मॉडल है, दफ्ती का तो आसानी से बना सकते हो आप लोग, इसको बना के आप रख लें अपने पास। जी, है ना, ये मॉडल बना के इसको दिखा दे बच्चों की लंब वृत्ति बेलन ऐसा होता है, है ना। और इसके बाद जब बेलन की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट हो जाएगी, तो ये बेलन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए काम और कर सकते हैं हम लोग, कागज तो हमारे विद्यालय के परिवेश में आसानी से उपलब्ध होता है। जी, जी। कागज को बच्चों, सब बच्चों के पास कागज होता है, कागज लेके बच्चों को बताएं कि इस तरह मोड़ लेंगे कागज को अगर ऐसे, तो हमारा ये लंब वृत्ति बेलन बन जाता है। बेलन बन गया है, बिल्कुल।
मुझे लगता है अगर ये काम अगर हम कक्षा में छात्रों से भी करवा लें, हाँ बच्चे करेंगे तो बच्चे बहुत रुचि से करेंगे और उनको रुचि भी आएगी जी, इससे जुड़ेंगे भी बच्चे कक्षा में, गणित की कक्षा में जुड़ेंगे, वास्तव में जो है वो कुछ करके सीखने वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से आप बेलन बनवा के बच्चों को सबसे पहले बेलन की उदाहरण स्पष्ट करेंगे, उसके बाद आती है वक्र पृष्ठ की, क्योंकि हम लंब वृत्ति बेलन की वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, है ना। तो वक्र पृष्ठ हालांकि बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं और उनकी परिभाषा वगैरह उनको ज्ञान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्पष्ट करेंगे वक्र पृष्ठ आखिर होता क्या है। तो जैसे आपको मैंने बेलन दिखाया था, ये बेलन है, तो बच्चों को ऐसे बेलन दिखा के और बताएंगे ये पूरी सतह इतनी टेढ़ी और घुमावदार सतह है, ये पूरी सतह वक्र पृष्ठ है ना जी, ऐसे बताएंगे दिखा के, तो बच्चों को ये समझ में आएगा ये पूरी जितनी सतह है ये वक्र पृष्ठ है और ये हमको निकालना है लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना, यानी कि इस पूरे इतने पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे विस्तार से। ऐसा करते हैं कागज लेते हैं, आप लोग भी कागज से मिल जाएगा, कागज लेंगे ऐसे, इस कागज को हम ऐसे मोड़ लेंगे, है ना, ये हमारा लंब वृत्ति बेलन बन गया, ठीक है। अब इस बेलन को बच्चों को बताएंगे कि ये बेलन है और ये इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है ना, ठीक है। अब इस कागज को हम ऐसे खोल देंगे, इसको खोल देंगे, खोल देंगे तो ये क्या हो गया, एक आयताकार कागज का टुकड़ा हो गया है ना। इसके विषय में तो बच्चे पहले से ही जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो पूर्व ज्ञान से इसे पूर्व ज्ञान से जोड़ लेंगे इसको। फिर एक बार इसको मोड़ेंगे, आप मोड़ेंगे और बच्चों को बताएंगे ये इसका ये आधार है, ये ऊपर की सतह है जी, और ये ऊपर की सतह कैसी है, गोलाकार है जी, और ये आधार कैसा है, ये भी गोलाकार, ये भी गोलाकार है, ये बच्चे बताएंगे। फिर इसको एक बार जब खोल देंगे, दोबारा से बच्चों के सामने खोलेंगे, तो हम ये बच्चों को वहाँ पे स्पष्ट करेंगे जो आधार की सतह थी वो क्या थी, वो गोलाकार थी जी, वो क्या हो सकती है, इसकी आयताकार की लंबाई हो गई, इस आयताकार कागज की लंबाई हो गई जी, है ना। और पूरा वक्र पृष्ठ क्या हो सकता है, इस पूरे आयताकार कागज का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे आयताकार कागज का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा जी, है ना। और जो इसकी लंबाई है, जो आयत की लंबाई है, वो आधार का परिमाप हो जाएगी जी, है ना, जो गोला का। काफी अच्छा तरीका है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाने के लिए, बहुत प्रभाव देगा बच्चों को। ये जो आधार का परिमाप है किसके बराबर है, ये आधार है ना जी, इसका परिमाप लंबाई के बराबर है, है ना। तो इसका सूत्र हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ इसके बराबर हम लिख सकते हैं आयताकार कागज का क्षेत्रफल, है ना। मतलब बच्चों को ये समझाना है कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही चीज है, उनके बारे में वो पहले से ही जानते हैं, केवल उसका रूप बदल गया, रूप बदल गया, हाँ ठीक है। और आयताकार कागज का क्षेत्रफल का सूत्र तो बच्चों को पता होता है जी, है ना, बच्चे जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और लंबाई की जगह पे हम लिख सकते हैं आधार का परिमाप, जैसा कि मैंने आपको अभी मोड़ के दिखाया था जी जी, है ना, जो आधार का परिमाप है वो आयताकार कागज की लंबाई के बराबर है जी जी, है ना। तो आधार का परिमाप लिख सकते हैं, और जो चौड़ाई है, इसको फिर से एक बार देखते हैं, इसको ऐसे जब मोड़ेंगे हम तो इस बेलन की ऊंचाई क्या हुई, इस बेलन की ऊंचाई ये हुई जी, आयताकार कागज की चौड़ाई के बराबर, हाँ ये बेलन की ऊंचाई हुई, ये ऊंचाई किसके बराबर हो गई, इस आयताकार कागज की चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर हो गई। तो इस ऊंचाई की जगह पे हम, चौड़ाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं, क्योंकि बेलन के संदर्भ में ये ऊंचाई हो गई जी जी। आयताकार कागज की बात करेंगे तो चौड़ाई है जी जी, लेकिन जब हम इसका बेलन बना देंगे तो वही चीज ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो आधार का परिमाप, चूंकि आधार हमारा गोल है इसमें जी जी, और गोलाकार वस्तु की या गोलाकार सतह की परिमाप को हम परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो आयताकार आधार के परिमाप पे हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिख देंगे, ऊंचाई की जगह ऊंचाई है। और वृत्त की परिधि का सूत्र तो बच्चों को पता होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। तो वृत्त की परिधि की जगह पे लिख देंगे 2πr, और ऊंचाई को हम एस से दिखा देंगे जी, ठीक है जी, है ना। और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा सूत्र आएगा 2πrh। इस तरह से बच्चों को सूत्र का निगमन समझ में आ जाएगा। ज्योति जी, संपूर्ण पृष्ठ का कैसे निकालेंगे, अभी बताते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा और बताना है। देखिए ये इसमें क्या है, ये पाई क्या है, एक स्थिरांक है, पाई एक बच्चों को बताएंगे, पाई एक स्थिरांक है, ये जो हर गोले के लिए इसका मान निश्चित होता है, जो गोला हो, हाँ किसी भी आकार का गोला ले लीजिए उसमें पाई का मान हमेशा समान होता है, इसका मान होता है 22/7।
और आर आधार की त्रिज्या है, जो आधार गोलाकार आधार था उसकी त्रिज्या है, और एच बेलन की ऊंचाई है जी। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, पाई स्थिरांक है, आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। ठीक है जी, वैसे ये तरीका बड़ा प्रभावकारी है, बच्चे इससे जुड़ेंगे, गणित से जुड़ेंगे, और उन्हें भी पता चल रहा है ना कि जैसे आयत जो है वही बेलन में बन जाता है। हाँ, वो ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आयताकार कागज से ही बेलन बना देंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, ऐसे वो सोचते हैं कि आयत आयताकार चीज अलग है और बेलन अलग चीज है, पर वास्तव में दोनों एक ही चीजें हैं। आयत को गोल कर दीजिए तो बेलन बन गया, वही का वही रहेगा। और आपने संपूर्ण पृष्ठ की बात की कि संपूर्ण पृष्ठ बच्चों को किस तरह बताएंगे, इसका भी एक तरीका अच्छा है, आप बता सकते हैं इसको। जैसे कि हमने आपको बेलन बताया, बेलन बनाएंगे आप, तो इसमें जो बेलन की जो गोलाकार सतह है उसके नाप के दो गोले ऐसे, जो सतह है ऊपर वाली सतह है, नीचे वाली सतह है, उसके बराबर नाप के दो गोले काट लेंगे ऐसे ऐसे, इसमें लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं आसानी से, और नीचे भी ऐसे गोला लगा देंगे। हैं तो ये जो दो गोले अपने बच्चों को बताएंगे हम कि इसमें जो है ये वक्र पृष्ठ इसका कुल मिला के ये सतह गोलाकार सतह और ये गोलाकार सतह और ये पूरा वक्र पृष्ठ, ये पूरा मिला के क्या बनता है, बेलन का लंबवृत्ति, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पूरी सारी सतह, जितनी पूरी सतह मिला के संपूर्ण पृष्ठ। तो इस संपूर्ण पृष्ठ में दो चीजें हैं, एक तो है ये वक्र पृष्ठ और ये दो गोलाकार सतह का दो गोलाकार सतह का क्षेत्रफल है ना, पूरा मिला के संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गोलाकार सतह है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, इस गोलाकार सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, और चूंकि दोनों गोले बराबर हैं जी, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, जो एक बार क्षेत्रफल निकाल दोनों को दुगना कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो गया वक्र पृष्ठ धन गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। दोनों सिरे भी कह सकते हैं इसको हम, कि दोनों सिरों का गोलाकार सतह को हम दोनों दो सिरे भी कह सकते हैं, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, या दोनों सिरे समझ लीजिए इसको, क्योंकि दोनों सिरे गोलाकार है ना। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र तो होता है 2πRh, ये हम लोगों ने अभी सिद्ध किया था जी। और धन जैसे गोलाकार सतह के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² यानी दो बार त्रिज्या का गुणा दो बार होता है। और चूंकि दो गोलाकार सतह है इसमें, एक बेलन में दो बराबर गोलाकार सतह है, तो इसकी जगह हम देख सकते हैं 2πr² ठीक है, ये वक्र पृष्ठ और ये दो गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चूंकि 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो यहां बचेगा हमारा h धन r, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया लंबवृत्ति बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जी। और इसको सिर्फ आपको दो गोले काटने हैं, दो गोले काट के बच्चों को इस तरह वहां पर दोनों लगा के बेलन के सिरों पे, फिर इस तरह सूत्र निकाल देना है। तो बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है। इस तरह से बच्चों को आसानी समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा हमारे। अच्छा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि जैसे हम बच्चों को गृह कार्य में कुछ प्रश्न दे देते हैं प्रश्नावली से, उसी जगह अगर हम उनको कुछ वस्तुओं का अगर उनको निकालने को दें, यानी कि आपको कहने का मतलब है जो घर में जो चीजें होती हैं बेलन के आकार की जो होती हैं उनका परिमाप निकालेंगे, उनका वक्र पृष्ठ निकालें, उनको ज्यादा रुचिपूर्ण लगेगा उनका वक्र पृष्ठ, जरूर करके लाएंगे ऐसा। हाँ, इससे हम गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़ भी पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। और पढ़ाते वक्त हम लोग को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों को जब हम लोग सवाल करवाते हैं कक्षा में शाम पट पे, हम लोग सवाल एक दो हल कर देते हैं ठीक है, उसका बच्चों को ही हम शाम पट पे बुलाएं, कक्षा में से बच्चों को ही शाम पट पे बुलाएं और एक एक सवाल एक एक बच्चे को बुलाएं और हल करने को दें। इससे वहां पर उसे सवाल करते समय कोई समस्या आती है
हाँ, तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे हम समाधान कर पाएंगे उसी जगह पर, उस बच्चे की कठिनाई का समाधान हो जाएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है ना। और इससे क्या होगा, जैसे वो दोबारा से सवाल लगाया जाएगा शाम पट पे, तो जो बच्चे सीख नहीं पाए हैं उनको दोबारा सीखने का अवसर मिल जाएगा, वो दोबारा सीख पाएंगे, और बाकी बच्चों को दोहराने का अवसर मिलेगा। इससे बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और बच्चे सतर्क भी रहेंगे मेरे ख्याल से, सही बात कि हमको हमको शाम पट पे बुलाया जा सकता है। तरीका हमने इस पर हमने चर्चा की, काफी अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और भी विषयों को हम इसी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, वैसे गणित ही नहीं और विषय पढ़ा सकते, गणित के और भी विषयों को, प्रकरण को अगर इस तरह से पढ़ाएं, सैद्धांतिक पक्ष जो आपने बताया, हाँ, सैद्धांतिक पक्ष पे ध्यान, अगर हम ध्यान दें उनका ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करें। हाँ सर, गणित मतलब से सवाल नहीं है, उसमें सैद्धांतिक पक्ष भी कुछ होता है। गणित का मतलब बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि सवाल हल करना है। सही कह रही ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने चर्चा करी है। आज हम लोगों ने लंब वृत्ति बेलन के वक्र पृष्ठ को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर चर्चा की। अगले कार्यक्रम में हम गणित विषय के अंतर्गत किसी अन्य प्रकरण पर चर्चा करेंगे।